bird on a tree. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कसौल से लेकर के मणिकरण तक का रास्ता कैसा है और मणिकरण में आप क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं कसौल में, यहाँ वेट कर रहे हैं बस का कि जो भी आने वाली है ठीक इसी जगह पर, थोड़ी देर के अंदर। और भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ के वेट कर रहे हैं। मणिकरण हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गुरुद्वारा है बहुत फेमस, और एक वहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो वो हम लोगों को देखना है। और आज में हमारे फ्रेंड्स जो कि हमारे हॉस्टल से हैं, बैकपैकर्स ही हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं कैसा रहता है रास्ता। पर जा रहा हूँ वो थोड़ी सी अच्छी है, तो इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक और आपको पता चलेंगे मणिकरण के बारे में बहुत सारी बोल रहे हैं। शाम की बात है, कुछ भी क्लियर नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। आज सिर्फ मॉर्निंग में जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट किया और बस मैंने कल चला मणिकरण के लिए। उससे पहले मैं एक बार्बर शॉप पे गया था जहाँ शेविंग कराते हुए मेरी काफ़ी देर बातचीत हुई, तो वहाँ जो महाशय थे उन्होंने बताया कि अब कसौल में पहले वाली बात नहीं है, पहले जो टूरिस्ट यहाँ आया करते थे, जो क्राउड यहाँ आता था बहुत सेलिब्रेट क्राउड होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्राउड ही हो चुका है ये एरिया। मोस्टली लोग पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, और सीज़न टाइम में तो बिल्कुल ही पूरा सब कुछ पैक हो जाता है। हालाँकि अभी सीज़न ऑफ होने वाला ही है क्योंकि बरसात शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ काफ़ी सारी पब्लिक अभी भी थी, और जो पब्लिक है अब कसौल को छोड़ करके जाने लगी है ऊपर पहाड़ों पे। उन्होंने ये भी बताया कि अब लोग प्रेफर करते हैं कसौल से ज़्यादा तोश को, और वहाँ रहना पसंद करते हैं। जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ से भी बस आ रही है, इधर से भी बस जा रही है, रास्ता सिर्फ एक बस के निकलने का है, उसे पीछे भी काफ़ी गाड़ियां इकट्ठी हो गई हैं, और उसी तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं वो दूसरी तरफ से इकट्ठी हो गई हैं। उससे हुआ ये है कि बहुत ज़बरदस्त जाम लग चुका है, 20 मिनट इस जाम में फंसे फंसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खुलता हुआ नहीं लग रहा है। जल्दी से जल्दी बस ये जाम खुल जाए और हम लोग पहुँचे मणिकरण, लेकिन अभी खुलता हुआ लग नहीं रहा। To be in the great outdoors. For us, 4.5 kilometer के रास्ते में उन लोगों को आधे से ज़्यादा घंटा जाम में अटके हुए हो चुका है, और अभी भी जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा। कुछ पता नहीं चल पा रहा कितनी देर में हम लोग पहुँच पाएंगे, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है क्योंकि हम लोगों को सेम डे ही रिटर्न करना था, जितना हम लोग जल्दी लौटा थे उतना जल्दी हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 2:26, तो देखिए कब तक हम लोग पहुँच पाते हैं। अभी आ चुके हैं हम बस स्टैंड यहाँ मणिकरण के पीछे खड़ी।